लक्ष्मी आए, सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी की पंचमी जब आए, शीतल दूध से नाग देवता की पूजा की जाए। कहते हैं कि नाग पंचमी पावन है त्योहार, करती जो माताएं उनका हो जाता उद्धार। इस व्रत के करने से बांझ भी पुत्र पा जाती है, खुशहाली हर घर में ये व्रत करने से आती है। हो जाती है दूर पुत्र और पुत्रियों की बाधाएं। नाग पंचमी की मशहूर है कुछ पौराणिक कथाएं, उसी कथा का वर्णन हम यह करना चाहते हैं, हम यह करना चाहते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। किसी समय पर एक नगर में एक राजा का राज, नीतिवान और धर्मात्मा थे, करे धर्म के काज। धर्म कार्यों में रानी भी साथ निभाती थी, और कुशलता से गृहस्थी भी अपनी चलाती थी। एक एक करके उन दोनों के पुत्र हो गए साथ, होने लगी महलों में जैसे खुशियों की बरसात। हर एक पुत्र के जन्म पे है राजा ने खुशी मनाई, दान धर्म में उनके कोई कमी नहीं थी आई। धीरे धीरे पुत्र बड़े होने लग जाते हैं, होने लग जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए, सब मिलकर इसे मनाए। राजकुमारों पर यौवन जब आने लग गया है, उनके विवाह की राजा को होने लगी चिंता है। अपने पुरोहित को राजा ने महलों में बुलवाया, बोले के अब इनके विवाह का समय निकट है आया। आस पास के राज्यों में तुम ले संदेशा जाओ, उचित वधु है पंडित इनके लिए चुन करके लाओ। बोला पंडित होगा आपकी आज्ञा का
कर ही जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। कुछ ही दिनों में पंडित वापस लौट के आया है, चयन सात कन्याओं का वो कर ही लाया है। फिर तो शुभ घड़ियां भी वो नजदीक ही आई है। राजा के महलों में गूंज उठी शहनाई है। धूमधाम से निकली सातों पुत्रों की बारात, एक साथ ही राजा के घर बहुए आ गई साथ। निश्चिंत हो गया अपने फर्ज से फिर तो राजा भी, हो गई है बरसात खुशी की कोई कमी ना थी। प्रजा के वासी भी मिल करके खुशी मनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। हर आंगन उनके आने से जैसे गया हो खिल। छह बहुएं तो बेटों की हो गई है गर्भवती, किंतु ना उम्मीद हुई थी सबसे छोटी की। बड़ी जेठानियां तो उसकी सब करती थी आराम, छोटी बहू को करने पड़ते हैं अब सारे काम। किंतु छोटी बहू ने अब भी आस नहीं छोड़ी, खुशी मिली जो इनको एक दिन मिलेगी हमको भी। एक एक पुत्र सभी जेठानियों को हो जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। राजा के घर में लग गया है खुशियों का अंबार, अपने बेटों को दे दिए हैं सारे ही अधिकार। किंतु छोटी बहू अभी कुछ रहने लगी निराश, सोच रही है ना जाने कब होगी मुझको आस। बड़ी जेठानियां तो पुत्रों की माता बन गई है, किंतु गर्भ में मेरे अब तक कोई आस नहीं है। बड़ी जेठानियां देने लगी थी अब उसको ताने, किंतु आकर पति है उसका लगा उसे समझाने। हो जाएगा पुत्र हमें भी सब यही चाहते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए।
हुआ। अब तो सभी जेठानियां उसको बांझ बुलाती हैं, गोद में अपने पुत्रों को ना देना चाहती है। सुनकर ताने छोटी बहू तो तंग बड़ी आई, अपने पति को आखिर उसने सारी बात बताई। बोला उसका पति के ईश्वर पे रखो विश्वास, हो जाए कब उसकी मेहर ना किसी को है एहसास। फल वो ही देता है, कर्म हम करते जाते हैं, कर्म हम करते जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाएं, जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाएं। छोटी बहू ने हरि भजन में फिर तो लगन लगाई, मान गई है वो जो उसके पति ने बात बताई। उसी रात को छोटी बहू ने सपना देखा है, काला सर्प एक सामने आकर उसके बैठा है। मैं ना जानूं आप क्या मुझे डराने आए हैं, या ये शुभ संकेत है जिसे बताने आए हैं। बोले नाग देवता तेरी पूजा में नहीं कमी, कर लेना तुम बेटी व्रत कल ही नाग पंचमी। इस व्रत के करने से काम सफल हो जाते हैं, काम सफल हो जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाएं, जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे भाव से व्रत रखा। इस बार अपने पति को उसने है सपने की बात बताई। बोला के शुभ काम में फिर तो करना नहीं ढिलाई, शीतल दूध गाय का वो तो लेकर आया है। हाथ जोड़ कर नाग देवता को पिलाया है। अगले दिन ही छोटी बहू भी हो गर्भवती, नाग पंचमी व्रत से टल गई घड़ियां संकट की। खुशियों के दिन लौट के वापस आ ही जाते हैं, वापस आ ही जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए, जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। नौ महीने जो पूर्ण हुए तो पुत्र फूल सा पाया, नाग देवता की कृपा की हो गई थी छाया। इस व्रत के करने से भक्तों कुशल रहे संतान, पा जाती है पुत्र नारियां जो होने संतान। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ये पंचमी आए, नाग देवता की पूजा है इस दिन की जाए। नाग पंचमी का त्योहार तो बड़ा ही है पावन, श्रद्धा भाव से
सब हो ही जाते हैं, सब हो ही जाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम, जिसे मनाते हैं। जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए, जब नाग पंचमी आए सब मिलकर इसे मनाए। प्यारे भक्तों, सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। चौथ के दिन शाम को मीठे चने भिगो दे, रात को खाना बनाकर रख दे, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाए। पहले तो एक चेवड़ी में सात गांठ लगाकर सांप बनाए, बाद में चेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाए। भीगा हुआ मोट बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा चढ़ाए। कथा सुनकर फिर मोट बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसे भी बायना भेजे, और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाए। जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जन श्रुतियां और कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी के संबंध में ऐसी ही दो बहु प्रचलित कथाएं हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली कथा एक साहूकार के बेटे और बहुओं की है, तथा दूसरी एक किसान के परिवार की है। तो आइए नाग देवता का ध्यान लगाकर कथाओं का आनंद लेते हैं। तो बोलिए नाग देवता की जय। ज
जाते हैं, हाँ बैठ जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। खुश होती है जब भाई
धन
धन पहुँचाते हैं, हाँ धन पहुँचाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू को दिया मणियों का एक हार, छोटी बहू तो खुश हो गई पाकर ये उपहार। रानी ने उस हार की प्रशंसा बड़ी सुनी, वही हार मुझे चाहिए राजा से कहने लगी। हार को लाने के लिए राजा हुक्म सुनाते हैं, हुक्म सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। प्रकट हो जाते हैं, हाँ प्रकट हो जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। नाग देवता बहना की ये बात पुगाते हैं, ये बात पुगाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। इस गलती का दंड तुम्हें हम दे
समझाते हैं। है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। विश्वास तब हुआ राजा ने मुद्राओं में दिया उसे उपहार, रानी ने भी लौटा दिया उस मणियों का हार। देख देख के जलने वाले जलते जाते हैं, हाँ जलते जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। तो कर लो ध्यान, अपनी पत्नी को बुलाकर धमकाने वो लगा, कौन तुम्हें ये धन देता है पूछने वो लगा। सर्प को याद वो करने लगी ऐसा बताते हैं, सब ऐसा बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। उस दिन से नाग पंचमी पर्व मनाते हैं, सब पर्व मनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, है सर पता नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। खुशी वो
सब अपना जीवन बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं।
सताते